स्वागत है आप लोगों का न्यूज़ ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश। चलते हैं सीधे न्यूज़ पे। जैसे कि आप लोगों के लिए मैं रोज़ न्यूज़ लेके आता हूँ, आज भी लेके आया हूँ। तो पहले हेडलाइंस जान लेते हैं। हेडलाइंस है, किराए पर घर पर GST, जाने किन किराएदारों को देना होगा 18% टैक्स। नए नियम के बारे में जाने सब कुछ, इस पर बात करेंगे। इस पर बड़ा भ्रम फैलाया गया है कि किराए पर अब GST लगेगा, खाने पर GST लगेगा, इस बारे में बात करेंगे। और दूसरा न्यूज़ है कि कहीं आपकी आईडी पर कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा सिम कार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस पर भी बात करेंगे। और तीसरा है, किसान के लिए खुशखबरी, आय बढ़ाने के लिए कहीं ये बात पर ध्यान देना होगा, तो इस पर भी बात करेंगे। और लास्ट है, PNB में 10वीं पास के लिए पंजाब नेशनल बैंक में बम्पर भर्ती, सैलरी 20,000 से शुरू, तो इस पर भी बात करेंगे। तो पहले न्यूज़ पर चलते हैं, किराए के घर में। तो इसे न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि मैं आप लोगों के लिए रोज़ न्यूज़ लेके आता हूँ। तो आप लोग अगर मेरी वीडियो को देखते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करें और लाइक करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स तक, उससे मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। तो आप लोग कमेंट भी ज़रूर करें कि कैसा लगता है, और कुछ कमी हो तो बताएं। किराए के घर पर GST, जाने किन किराएदारों को देना होगा 18% टैक्स। नए नियम के बारे में जाने सब कुछ, देखते हैं क्या है ये। क्या आपको पता है GST या गुड सर्विस टैक्स के लिए नए नियम के तहत किराए के मकान में रहने वाले लोगों के लिए एक अहम नियम लागू हो चुका है। 18 जुलाई से लागू हुए GST के नियमों के मुताबिक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पर लेकर रहने वाले किराएदारों के लिए रेंट के साथ 18% GST भी देना होगा। हालांकि यह नियम बस उन किराएदारों पर लागू होगा जो किसी बिजनेस के लिए GST के तहत रजिस्टर्ड है, तो ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये क्लियर है। देखते हैं आगे और क्या है न्यूज़ में। पहले जो नियम था उसके मुताबिक कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे कि ऑफिस या रिटेल स्पेस जैसे कई जगहों पर किराए पर लेने पर लीज पर GST लगता था। प्रॉपर्टी को चाहे कोई कॉरपोरेट हाउस किराए पर ले या कोई सामान्य किराएदार, इस पर GST नहीं लगता था, तो ये पहले भी नियम था। नए नियम के मुताबिक GST रजिस्ट्रेशन किराएदारों को RCM के तहत टैक्स भुगतान टैक्स भरना होगा। वह इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत डिसकनेक्ट कर दिखाकर GST क्लेम कर सकता है। यह भी बता दें कि 18% GST तभी लागू होगा जब किराएदार GST के तहत रजिस्टर्ड हो और GST रिटर्न भरने वाली कैटेगरी में आता हो, तो ये क्लियर है। आम लोगों के लिए ये न्यूज़ नहीं है और आम लोगों को ये लगेगा भी नहीं है। GST जो GST के तहत रजिस्टर्ड है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात कि जो कॉरपोरेट हाउस या फिर कोई बिजनेसमैन जो कि ऑफिस या कोई मतलब सामान्य रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से ही अपना बिजनेस चलाता हो, उसके लिए ही ये नियम है। नए नियम को लेकर कुछ अहम बातें, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को किराए पर लेकर वहाँ से अपना बिजनेस चलाने वाले किराएदारों को 18% टैक्स देना होगा, तो सीधा लिखा होगा, इस पर ज़्यादा भ्रम का स्थिति नहीं होना चाहिए। और बहुत फैलाया जा रहा है ऐसा कि सब लोगों को किराए पे GST लगेगा, तो इसे डरने की ज़रूरत नहीं है, आम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। तो चलते हैं आगे न्यूज़ में, और इस पर और कोई अपडेट होगा तो ज़रूर बताएंगे आपको। दूसरा न्यूज़ है, कहीं आपकी आईडी पर कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा सिम कार्ड, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है आज के लिए। कोई भी आपके आधार कार्ड पर सिम निकाल के अगर चला रहा हो तो कैसे चेक करें और इसको कैसे डिस्कनेक्ट करें, इसके बारे में है, तो देखते हैं। कई बार आपको पता भी नहीं चलता और आपके नाम पर आपके आईडी कार्ड से कोई सिम निकलवा कर इसे इस्तेमाल कर रहा होता है। इससे पहले बहुत सारा मामला ऐसा आ चुका है, तो अगर आपका मोबाइल पे दो सिम है या इससे ज़्यादा है तो कैसे पता करें, इसके बारे में ऐसे चेक करें कितने सिम हैं आपके नाम पर रजिस्टर। तो सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाएंगे जो यहाँ लिखा वेबसाइट है, और इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद इसके आने के बाद आप नंबर दर्ज करें और OTP को पोर्टल पर मेंशन करें लॉगिन करके। अब आपको एक्टिव कनेक्शन के बारे में जानकारी दिखाई देने लगेगी। यहाँ पर यूजर्स ऐसे नंबर ब्लॉक करने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं, जो आपके वोटर आईडी पे या आधार कार्ड पे जितने भी नंबर लिस्टेड होंगे वहाँ आपको दिखने लगेगा, तो आप वहाँ से डिस्कनेक्ट डायरेक्ट करने का रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस न्यूज़ को शेयर भी करें अपने लोगों तक स्क्रीनशॉट लेके कि इसको कैसे किया जा सकता है। ये बहुत सिक्योरिटी रीजन है आपका, नहीं तो आपको आगे चल के दिक्कत भी हो सकता है।
तो इस पर और कोई अपडेट होगा तो आपको जरूर बताएंगे। आगे चलते हैं, तीसरा न्यूज़ क्या है, किसान योजना, किसान के लिए खुशखबरी, आय बढ़ाने के लिए कही ये बातें, इन पर ध्यान देना हो, इन पर देना होगा ध्यान। तो देखते हैं क्या है किसान के लिए। किसान के लिए सरकार की ओर से कई योजना चलाई जा रही है, वहीं किसान की आय को बढ़ाने के लिए भी सरकार की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है। अब कृषि मंत्रालय के एक विशिष्ट अधिकारी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए मक्का, सरसों और मूंग की खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR के उप महानिदेशक और केंद्र सरकार के कृषि आयुक्त AK सिंह ने कृषि क्षेत्र में ड्रोन जैसी तकनीक को अपनाने पर भी जोर दिया। तो अच्छी बात है, किसान का बढ़ना ही चाहिए, बढ़ावा देने की बात। एक बयान के मुताबिक इस परिचर्चा में सिंह ने कहा, गेहूं चावल पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय फसल विविधीकरण को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अंग्रेजी के 3 अक्षर से शुरू होने वाले मक्का, मूंग और सरसों मस्टर्ड की खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकता है और किसानों की आय में भी वृद्धि कर सकती है। सही बात है, गेहूं और चावल का स्टॉक बहुत ज़्यादा है देश में, तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान फोकस करना चाहिए और इससे किसान का जरूर आय बढ़ेगा और सरकार को भी अपने जो भी नियम कानून है, मेन फर्टिलाइज़र को सस्ता किया जाना चाहिए, उससे ही किसान पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। डीजल जैसे सर गवर्नमेंट बहुत महंगी महंगा है तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए, तो बोलने से सिर्फ थोड़ी होता है, ये सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो वही किसान का कुछ फ़ायदा हो सकता है। चलते हैं आखिरी न्यूज़ है PNB 10वीं पास के लिए पंजाब नेशनल बैंक में बम्पर भर्ती, सैलरी 20,000 से शुरू। देखते हैं क्या है, पीएनबी चपरासी में 1,000 पदों पर भर्ती खुशखबरी, 10वीं 12वीं पास के लिए सैलरी 20,200 शुरू, कई जिलों के पद में रिक्त। पंजाब ये चपरासी का जो पद है इसके लिए है। देखते हैं क्या है, पंजाब नेशनल में 30,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती इस वर्ष जारी की जाएगी। इसमें सभी प्रांतों और राज्यों को जोड़कर बताया गया है कि इसमें उपलब्ध समय में 103 चपरासी और क्लर्क से संबंधित भर्तियां जारी की गई है, इस जिसमें बस कुछ ही योग्यता होने पर आपको अपने नज़दीकी बैंक में अच्छी नौकरी मिल सकती है। नीचे अन्य जरूरी विवरण के साथ संपूर्ण पात्र और समय के तिथि जिक्र किया गया है जो आपके लिए अत्यंत जरूरी है। तो देखते हैं क्या है, देखिए उम्मीदवार 10वीं पास 12वीं या ग्रेजुएट पास होना चाहिए, कंप्यूटर के विषय में जानकारी होनी चाहिए, किसी पद के लिए गणित गणना जो कि बैंक में जो बहुत जरूरी है, बातचीत करने का तौर तरीका तथा इंटरव्यू पर ध्यान दिया जाता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ। तो आप PNB के पोर्टल पे जाके ये देख सकते हैं अगर वेरिफिकेशन करके, और वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं जिन्हें भी जो भी 10वीं 12वीं के लोग हैं। तो आज के लिए इतना ही था, आगे और भी न्यूज़ लेके आएंगे आप लोगों के लिए और भी वीडियो में। तो नमस्कार, और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।